नमस्कार, पंजाब केसरी स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं जसमीत सिंह। आइए सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। इनके हाथ जन्म से ऐसे नहीं थे, या ये कहें कि क्रिकेट के कारण हो गए हैं। जी हाँ, ये हैं डेविड मॉरिसन, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। 45 साल लंबा इनका करियर रहा। इनकी ऐसी एक भी उंगली नहीं है जो टूटी ना हो। ये विकेट कीपिंग के प्रभाव की सबसे बड़ी उदाहरण है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि विकेट कीपिंग किस तरह एक क्रिकेटर के जीवन पर प्रभाव डालती है। सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी की उंगलियां बहुत कम क्रिकेट फैंस ने देखी होंगी। विकेट कीपिंग हो या बल्लेबाजी, धोनी हमेशा ग्लव्स में ही दिखे। धोनी ने लंबे समय तक 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती लेदर की गेंदें रोकी है। सामान्य तौर पर ये आम काम नहीं है। टीम इंडिया को ICC के तीनों बड़े कप दिलाने वाले धोनी को विकेट कीपिंग करते 20 से ज्यादा साल हो चुके हैं। टेस्ट, वनडे, T20, IPL, घरेलू क्रिकेट, ना जाने कितने दिन महेंद्र सिंह धोनी ने मैदानों पर बिताए हैं। आइए अब विकेट कीपिंग में आती समस्याओं पर हम पार्थिव पटेल की कहानी भी जान लेते हैं। पार्थिव जब 6 साल के थे, उनका एक हाथ दरवाजे में आ गया था। इससे उनकी छोटी उंगली कट गई थी। पृथ्वी ने 9 उंगलियों के साथ चले क्रिकेट करियर पर कहा, शुरू में विकेट कीपिंग करते मेरी ये उंगली अक्सर ग्लव्स में नहीं आती थी। ऐसे में मैं इसे टेप के साथ दूसरी उंगली के साथ बांध देता था। ये मुश्किल जरूर था, लेकिन मैंने ऐसे ही कई साल क्रिकेट खेला। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कप्तान टिम पेन को। पेन की यह तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। 36 साल के टिम पेन घरेलू क्रिकेट में लंबे समय से विकेट कीपिंग करते आ रहे हैं। 2011 में पेन को उंगली में चोट आ गई थी। वह 4 महीने क्रिकेट से दूर रहे। कहा गया कि अगर बॉल दोबारा उंगली पर लगी तो ये बेकार भी हो सकती है। पेन लंबे समय तक बिना विकेट कीपिंग प्रैक्टिस के रहे। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी मन में विकेट कीपिंग छोड़ने का ख्याल आया, लेकिन वह डटे रहे क्योंकि वह जानते थे कि विकेट कीपिंग करते हुए दिक्कतें तो आएंगी। तो ये थे विकेट कीपिंग से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट। आप क्रिकेट से जुड़े रोचक फैक्ट्स आप जान सकते हैं पंजाब केसरी स्पोर्ट्स के FB पेज या YouTube पेज पर। बने रहिए। क्रिकेट हो, टेनिस हो या अन्य खेल, या खासतौर पर टोक्यो ओलंपिक क्यों ना हो, सबकी खबरें आप इस वेबसाइट पर हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इस पैकेज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।